आने वाला है हमारा 22 सेकंड का, और इस वक्त मैं बता दूं कि बहुत जोर से हम ब्रेकिंग नहीं कर सकते चंद्रमा के इतने करीब, क्योंकि वहां पे एक बहुत ही महीन थिन लेयर होती है वहां के वातावरण की, बहुत ही थिन लेयर, इसकी वजह से जोर से ब्रेकिंग नहीं कर पाते। जल्दी से सवाल है, एटमॉस्फेयर नहीं है चांद पर, इसीलिए जितनी थोड़ा सा छूट गई है, फुटप्रिंट्स भी नील आर्मस्ट्रांग के अभी तक है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है। बिल्कुल हाँ, और असल में आर्गन और नियॉन जैसे कुछ कुछ मटेरियल रहते हैं उसके एटमॉस्फेयर में, बहुत ही नगण्य, लेकिन गुरुत्वाकर्षण शक्ति तो है चांद में, उसको भी फैक्टर इन करके ये अभी आगे बढ़ रहा होगा। डिस्टेंस बहुत कम, 190 मीटर आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस हो चुका है ऑल्टीट्यूड, और वहीं पर स्पीड आप देखिए 1 मीटर प्रति सेकंड हो गया हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल स्पीड भी आ गया है 2 पे, मतलब लगभग बराबर हो चुके हैं दोनों, जीरो की तरफ जाएंगे। जी बिल्कुल, जब हम ये लगभग जल्दी से अब देखिए 150 मीटर की दूरी जिसका आप जिक्र कर रहे थे, और यही है हमारा 151, बहुत बड़ा ये फेज सबसे इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं रुक गया है इस पॉइंट पे, 150 मीटर 139 आप देख रहे हैं, ये अब लगभग 22 सेकंड का ब्लाइंड स्पॉट हमारा, 22 सेकंड का होल्ड है यहाँ पे, यस 22 सेकंड तक इसी जगह पे इसी पोजीशन पे रहना, इसी ऑल्टीट्यूड पर रहेगा पूरे अपना जो भी उसकी लोकेशन है। एक सेकंड, इसीलिए आप देख रहे थे 149.98 पर वो इसी जगह पे उसको होवर करना है। अपने दर्शकों को हम बता दें लगभग 22 सेकंड तक इसी 150 मीटर की जो दूरी है, तभी आप तो हमें लग रहा है कि हमने ढूंढ लिया पॉइंट, हमने कर लिया है। वो दूरी हमने सफलता से पार कर ली है, क्या ये बहुत बड़ी खुशी की घड़ी है? जल्दी से बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी खुशी की घड़ी है, इंतजार है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है 112 सेकंड, और इसीलिए आप देख रहे हैं कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हम जीरो की तरफ बढ़ चुके हैं, वही वर्टिकल वेलोसिटी भी हमारा वर्टिकल वेलोसिटी भी जो है वो भी घटता चला जा रहा है। और तीसरी तस्वीर में वो दूरी है, तमाम बड़े बड़े फेजेस हमने पार कर लिए हैं सफलता के साथ, अब सॉफ्ट लैंडिंग की घड़ी है, बस अगर सतह पर कोई बड़ा ऑब्स्टिकल नहीं हो तो कोई नहीं रोक सकता, बिल्कुल थोड़ी देर में कोई नहीं रोक सकता। और ये देखिए 60 मीटर और ये 50 मीटर, अब मुझे लगता है कि अब वो दोनों को हम देखें, वर्टिकल वेलोसिटी नाउ इज 200-300 के बीच में, दो मीटर प्रति सेकंड, वही वर्टिकल वेलोसिटी एकदम जीरो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जीरो की तरफ जा रही है, दूरी अब 200 किलोमीटर की रफ्तार से टकरा रही है, बहुत बड़ी कामयाबी की तरफ हिंदुस्तान बढ़ता हुआ, चंद्रयान का मिशन 3 सफलता की तरफ बढ़ता हुआ, चांद के दक्षिण पोल पर भारत अपना तिरंगा गाड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये आप देख रहे हैं तालियों की जबरदस्त गूंज, हिंदुस्तान के लिए आज बड़ा दिन, और आप देख रहे हैं इसरो के हेड सोमनाथ को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तिरंगा लहराते हुए अंतरिक्ष में भारत की ऐतिहासिक जीत, चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग, वो भी एक ऐसी जगह पर जहां कोई मुल्क नहीं गया था, दक्षिण पोल चांद का अब हमारा हुआ, क्योंकि हमने यहां पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की है। आज पूरा देश इसरो के इन वैज्ञानिकों के सामने सिर झुकाता है, और ये अब आप देख रहे हैं सोमनाथ साहब को जो कि इसरो के चीफ है, वो यहाँ पर संबोधित करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे। ये जोश, ये उत्साह आप इसकी कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि जबरदस्त जश्न वैज्ञानिकों का, ये सालों साल की मेहनत है जो अंजाम पर आज पहुंची है। सुनिए सोमनाथ साहब, सर वी हैव अचीव्ड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून, इंडिया इज ऑन द मून, सर I request our honorable prime minister to address us and bless us. Thank you, sir. मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है, ये क्षण अभूतपूर्व है।